मोबाइल के लिए मौत का खेल। ऑनलाइन शॉपिंग की मशहूर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी में 1.5 लाख रुपए के 2 मोबाइल फ़ोन मंगवाकर लखनऊ में डिलीवरी बॉय की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लखनऊ के चिन्हट में मोबाइल देने पहुंचे डिलीवरी बॉय की 3 युवकों ने साजिश रचकर हत्या कर दी। उसे गला दबाकर मारने के बाद 2 मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए और करीब 35,000 कैश लूट लिए। लखनऊ के पुलिस के मुताबिक 32 साल के भरत मूल रूप से अमेठी के रहने वाले थे। लखनऊ में पत्नी के साथ किराए पर रहते थे। भरत फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय की नौकरी करते थे। क्या है पूरा मामला? दरअसल हिमांशु कनौजिया नाम के युवक ने अपने फ़ोन से दोनों मोबाइल ऑर्डर किए थे। 24 सितंबर की दोपहर जब भरत ने कॉल किया तो उसे गजानन नाम के व्यक्ति से कॉन्फ्रेंसिंग पर भरत की बात कराई। गजानन ने कहा वह मोबाइल रिसीव कर लेगा। जब दोपहर को भरत मोबाइल लेकर पहुंचा और पैसे भुगतान करने को कहा तो गजानन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। गजानन ने भरत को घर के अंदर खींच लिया, उसे जमकर पीटा और फिर गला दबाकर मार डाला। फिर डिलीवरी बॉय के बैग में ही उसका शव डालकर गजानन ने अपने दोस्त आकाश को बुलाया। ये लोग शव को कार में लेकर इंदिरा नहर के पास गए और उसे नहर में फेंक दिया। पुलिस ने 2 आरोपी हिमांशु कनौजिया और आकाश को दबोच लिया है। तीसरे आरोपी गजानन की तलाश में टीमें लगाई गई है। 24 सितंबर की दोपहर को 49 ग्राहकों का सामान पहुंचाने के लिए भरत दफ्तर से निकला। उसके देर रात तक न लौटने पर हब इंचार्ज आदर्श कोष्टा ने परिजनों को जानकारी देने के साथ साथ चिन्हट थाने में गुमशुदी दर्ज कराई। गुमशुदी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने भरत के मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली। आखिरी लोकेशन हत्यारोपियों के घर के पास निकली। भरत के नंबर से आखिरी कॉल हिमांशु और फिर गजानन के नंबर पर की गई थी, इसलिए पुलिस ने इनकी भी डिटेल निकाली। इससे खुलासा हुआ कि उस शाम दोनों की लोकेशन माती नहर के पास थी। आरोपी कार में उसका बैग रखकर जाते दिखे, जिससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया। सीसीटीवी फुटेज भी साफ हो गया कि भरत गजानन के घर के अंदर तो गया लेकिन बाहर नहीं आया। भरत के पिता राम मिलन खादी ग्राम उद्योग विभाग में कर्मचारी है, भाई प्रेम कुमार अधिवक्ता है। वही पिता ने बताया कि गजानन पहले भरत के साथ उसकी कंपनी में काम कर चुका है। ऐसे में पुलिस इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही है कि हत्या की वजह कुछ और तो नहीं। अब तक मोबाइल और नकदी लूट की बात ही सामने आई है।